यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, तब से हर वर्ग का विकास हुआ है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के क्षेत्र में बेहतर विकास हुआ है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर बार विकास के रास्ते में रूड़ा डालने का कार्य करती है, प्रदेश और देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और उनके परिवार के प्रति समय समय पर कोई ना कोई बड़ा कांग्रेसी नेता इतने अपमान भरे वचनों का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि देश की जनता उन्हें माफ करे। क्या आप इसको पॉलिटिकल बयानबाजी मानते हैं या आपराधिक कृत्य है? अब इसको मैं यह मानता हूँ कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। मोदी जी को गाली देंगे और देश की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। देश की जनता मोदी जी के साथ।